अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू HAGFX। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और न्यू सब्लिमेशन टी शर्ट का डिज़ाइन बनाएंगे। तो चले, ये हमारा टी शर्ट का मॉकअप है, तो डिज़ाइन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बॉक्स लूँगा, ऐसे लंबी लाइन लगाऊंगा इस पर, इस तरह इसको इसके सेंटर में कर दूंगा। सेंटर में करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा चौड़ाई इसकी ज़्यादा कर लेता हूँ, इसे ऊपर की तरफ भी ज़रा पूरा कर दिया। अब मैं इसको इसके साथ ट्रिम कर दूंगा, इस तरह से इंटरसेक्ट किया मैंने इसको, मैं कर लूंगा जरा डार्क कलर कोई, डार्क कलर इसको मैंने कर लिया। इसमें मैं अब लगाऊंगा एक लाइन दरमियान में, सेंटर में इसके इसी करूंगा। इस लाइन को मैं कर दूंगा जरा 2 पॉइंट या 3 पॉइंट। अब लाइन को मैं करूंगा कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ताकि ये आउटलाइन फॉर्म से बॉक्स फॉर्म में आ जाए, वेक्टर में। इसको मैं इसके साथ लाइन को क्लिक करके इसको ट्रिम कर दूंगा। ये देखें फ्रेंड, इस तरह दरमियान में ये लाइन अलहदा अलहदा ये दो पार्ट्स हो जाएंगे बिल्कुल सेंटर में से। तो अब मैं इसका में एक और चीज़ ऐड करूँगा, इसमें इसे बॉक्स लगाऊंगा इधर, इसको मैं कर लूंगा कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू करने के बाद इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लूंगा और कर्व टूल को इस्तेमाल करूंगा। कर्व टूल को मैं इधर से इसके सेंटर पॉइंट पर रख के एक एज नॉट इधर लगाऊंगा, फिर इस साइड सेंटर पॉइंट पर रख के इधर एक और नॉट लगाऊंगा। इन दोनों नॉट्स को पकड़कर मैं इस तरह से नीचे ले आऊंगा, तकरीबन इतना थोड़ा ऊपर कर लेंगे, इतना मैं तकरीबन ले आऊंगा इसे। ये अगर आप फासला ज़्यादा करना चाहें तो ऐसे क्लिक करके डबल क्लिक से आप ये फासला ऐसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको मैं कर दूंगा इधर ट्रिम, इन दोनों को मैं ट्रिम कर दूंगा। और अब मैं ये बाहर वाली जो लाइन है इसको अलग अलग कर लूँगा, इधर से ऐसे तोड़ के कर्व टूल के साथ इसको मैं इधर से अलग कर लूँगा ऐसे। इसी की मैं ऊपर कॉपी करूंगा, इसको मैं कर लूंगा जरा 2 पॉइंट का, और इतने फासले पे तकरीबन रखकर इसे मैं कर लूंगा 0.5 का। अब इन दोनों को मैं करूंगा कंबाइन, इधर इफेक्ट्स में आएंगे, ब्लेंड में आएंगे, ब्लेंड करेंगे पहले 16 तकरीबन इतना ही रख लेंगे। इन सबको मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर लूँगा, फिर ग्रुप कर लूँगा। यही चीज़ मैंने सेम नीचे की तरफ करनी है, तो इसको भी ऐसे ही करूँगा मैं, ऐसे कॉपी की इतने ही फासले पे तकरीबन। ये फासला हम साथ जोड़ देंगे बाद में, एक इधर को ऐसे कॉपी की इतने फासले में। उसी तरह ये वाली को मैंने जैसे उसको 3 पॉइंट किया था, इसको भी 3 पॉइंट करूंगा और इसको 0.5 ही रहने दूंगा। फिर से उतना ही 16 पे करेंगे। ये फासला थोड़ा कम था, इसीलिए मैं लास्ट वाली को पकड़कर थोड़ा नीचे ले आऊँगा, ताकि हमें फासले का पता चल जाए। जो ऊपर सेम फासला जितना हमने रखा है उतनी ही चीज़ आ जाएगी है। इस तरह जैसे ये ऊपर आया है इतने पे, उतना हमने तकरीबन नीचे से भी कर लिया। अब मैं फिर से सेंटर वाले को पकड़ूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ब्लेंड ये ब्रेकअप आर्ट करूंगा, इन सबको अनग्रुप करके कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करूंगा और फिर से ग्रुप कर दूंगा। अब मैं इनको इसके बिल्कुल कोने पे ले जाऊंगा, ताकि लास्ट वाला हमें नज़र ही ना आए जब हम इसे ट्रिम करें। ये इतना मैंने इसको इसके पूरा कर दिया। इसको मैं इसके साथ करूँगा ट्रिम, इसको भी मैं इसी के साथ ट्रिम कर दूंगा फ्रेंड्स। ये ट्रिम करने के बाद ये इस तरह नज़र आएगी ये चीज़। अभी मैं इसे बिल्कुल ख़त्म नहीं करूंगा, आके मैं और साथ इसमें और लाइनें ऐड करूंगा। एक लाइन मैंने ऐसे बॉक्स ऐड किया इधर इतने फासले पे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा लंबा कर लिया पूरी शर्ट के मुकाबले जितना। इसको भी
इसी तरह इतने फासले पे इसकी तीन कॉपीज कर ली, कंबाइन कर लिया, थोड़ा बारीक कर लेंगे। इन्हीं को मैं उठा के इधर ले आऊँगा, फिर इन सब को मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ, ग्रुप भी कर सकता हूँ। कंबाइन करके मैं सेंटर में कर दिया। अब यही चीज़ मैं दोबारा इन पे भी अप्लाई करूँगा, इसी तरह इसको ट्रिम कर दूँगा इसके साथ, इसको ट्रिम कर दूँगा इसके साथ। अब ये मैं चीज़ ख़त्म कर दूँगा, ये चीज़ दरमियान वाली जो सेंटर पॉइंट्स हैं इनको मैं ऐसे मैन्युअली भी ख़त्म कर सकता हूँ और कंबाइन तोड़ के भी। कंबाइन तोड़ के करेंगे तो बाकी चीज़ें भी सारी अलग अलग हो जाएंगी, अनग्रुप हो जाएंगी सारी। तो बेहतर यही है हम ऐसे एक एक को नॉट्स को क्लिक कर करके डिलीट कर दें। इनको ऐसे डिलीट कर दिया। अब इसको मैं पकड़ के फिर से इसके साथ भी ट्रिम करूँगा, ताकि जो बाहर नीचे से बाहर है ओवर है, ऊपर से ओवर है, ये चीज़ भी ख़त्म हो जाए। तो इसको मैं ग्रे कलर कर देता हूँ, ये वाला। नीचे बेस में हम कर लेंगे लाइट सा ब्लू कलर, ये चीज़ इस तरह। बाकी सारी शर्ट को भी एक ही कलर कर लेंगे। ये चीज़ हम अब डिलीट कर देंगे। यही जो आपने ऐड किया है ये चीज़, ये आप अगर और ज़्यादा ऐड करना चाहें तो आप नीचे की तरफ ही ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रख के इस तरह ये ऐड की। इधर एक इधर नॉट लगाई, नीचे की तरफ ज़्यादा करेंगे, 4 पॉइंट कर देंगे, ऊपर 0.5 बहुत है। उसी तरह वही जो ब्लेंड टूल हमने ओपन किया हुआ है, इसको ऐसे 16 पे किया, राइट क्लिक से ब्रेकअप आर्ट किया, अनग्रुप ऑल करके कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करेंगे और ग्रुप कर देंगे। अब ये इनको मैं दोबारा इसके साथ फिर से ट्रिम कर दूंगा। इधर इसको ऐसे ट्रिम कर दिया, ये चीज़ ख़त्म कर दी। तो ये देखो फ्रेंड, ये नीचे की तरफ भी डिज़ाइन ऐसे ही आ चुका है। यही सारा डिज़ाइन मैं ये दोनों चीज़ें क्लिक करूंगा और इसको क्लिक करके मैं इधर ले आऊंगा, ऐसे कॉपी कर लूंगा डबल क्लिक के साथ, और ये ऐसे सेंटर में कर दूंगा इसके। इधर भी हम ये कलर कर लेते हैं। इसको इधर से मैन्युअली हम पूरा करेंगे। अब इसे मैन्युअली ऊपर उठा लेंगे, इसे नॉट से बिल्कुल सीधा कंट्रोल के साथ इसको भी ऊपर उठा लेंगे, इस वाले को भी ऊपर उठा लेंगे। अब फिर से इसके साथ इन सब को हम इंटरसेक्ट कर देंगे इस तरह, और ये चीज़ें हम पेज अप कर लेंगे। इसको कॉलर को भी हम पेज अप कर लेंगे। तो ले फ्रेंड, ये बन चुका है हमारा डिज़ाइन। अब दोनों जगह पे हम इधर दरमियान में अपना लोगो कोई भी लगा सकते हैं, प्लेयर नेम लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं इधर ये लोगो ऐसे लगा रहा हूँ। एक लोगो हम फ्रंट पे, साइड पे, इस साइड पे लगा लेंगे, इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे। इसके ऊपर ऐसे लगा लिया। इस साइड पे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ये फॉन्ट मैंने इधर लगा लिया, इसको भी मैं थोड़ा आगे की तरफ कर लेता हूँ। इन दोनों को मैंने सेंटर में कर दिया इस तरह से। इसका कलर भी हम यही कर लेते हैं जो हमने बेस का रखा है। इसी तरह बैक पे भी हम, अगर आप कुछ लगाना चाहें तो, अगर आपने ऊपर कुछ टीम नेम लिखना है तो आप ऊपर वाला डिज़ाइन ख़त्म कर दें। इसको मैं इधर से ख़त्म कर देता हूँ, ये भी सारा ख़त्म, ये भी सारा ख़त्म। अब ये सिर्फ इधर नीचे की तरफ है, ऊपर हम कुछ भी अपना लिख सकते हैं, कोई भी आप चीज़ लिख लें, टीम नेम लिख लें बेचक। नीचे आप नंबर लिखना चाहें, यही जो नंबर हमने फ्रंट पे लिखा है का फासला थोड़ा कम कर लेते हैं इस तरह। इसको भी इसके सेंटर में किया, बड़ा कर लिया।
और ऐसे कर दिया। नीचे हम फिर अपना लोगो लगा लेते हैं बेशक इस साइज में। आप कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आप बनाना चाहते हैं जिस चीज का। तो ले फ्रेंड, इसके कॉलर्स रह गए हैं, कॉलर्स को भी हम यही कलर कर लेते हैं। कफ को भी फाइनल कलर कर लेते हैं यही। कंट्रोल आर कर रहा हूं मैं। ले फ्रेंड्स, एक और डिज़ाइन बनकर रेडी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।